तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे सामने खड़ी टीवीएस जुपिटर, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीवीएस जुपिटर हो या होंडा एक्टिवा हो, माइस्ट्रो हो या कोई सी भी गाड़ी हो, स्कूटी, उसका हेडलाइट का बल्ब कैसे चेंज करते हैं। तो हेडलाइट खोलने के लिए सबसे पहले अपन को इसके दोनों मिरर हटाने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें जो स्क्रू लग रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। हर गाड़ी में अलग अलग स्क्रू होते हैं, वो देख लेना। उसके बाद एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, ऐसे 6 स्क्रू हो गए। 2 मिरर हटाने पड़ेंगे तो आगे का ये मास्क जो है ये खुल जाएगा आपका। तो पहले अपन मास्क खोलेंगे, उसके बाद फिर हेडलाइट को निकालना पड़ेगा। हेडलाइट का बोल्ट ये नीचे रहता है, एक ये रहा बोल्ट, ये मैंने टूट गई थी हेडलाइट, इसलिए मैंने अंदर फिक्स कराया, वरना नीचे डेवरी लगी हुई रहती है इसमें। तो ये 4-6 बोल्ट जो है आपको खोलने पड़ेंगे, उसके बाद आपका मास्क खुल जाएगा। तो ये खोल के बताता हूँ मैं आपको पहले। इसकी वायरिंग पूरी, इसके साथ मेरे जो बल्ब लगाया था उसके साथ देखो एक ये लगा था कनेक्टर, क्योंकि जो बल्ब है ना ये बहुत पावर का है, उसके साथ में ये कनेक्टर लगा था। अब इसको अपन यहाँ से निकाल देंगे डायरेक्ट और वो वाला बल्ब लगा देंगे। अब बल्ब निकालते कैसे मैं बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या ये लॉक लगा हुआ रहता है, ये जो लॉक लग रहा है ना, अब इसको निकालना कैसा है, इसके अंदर अटका हुआ रहता है लॉक, इसको खाली दबाना है और पीछे की साइड पुश करना है इसको। ये निकल गया बल्ब, ये लॉक इसमें फिट रहता है। भाई ये जो लॉक है ना ये इसके अंदर फिट होता है, दबा के इसको वापस, अगर वापस लगाना है ना इसको दबा के, ये लग गया लॉक, और निकालना है तो नीचे दबा के ये निकाल दो। अब ये बल्ब निकल गया, बस खाली डायरेक्ट अपन का इसका वायर हटाना है। वायर हटा के दूसरा बल्ब लग जाएगा। अब वायर हटाते हैं, वो टेप लग रही है इस पर। ये आ गए बल्ब के सॉकेट, 1, 2, 3 इनको निकाल दो। एक ये निकल गया, सेकंड ये एंड थर्ड ये निकल गया। ये आपका ओरिजिनल सॉकेट है, इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करा मैंने वायरिंग में, डायरेक्ट ये बल्ब लगा था। ये बल्ब ऐसे कैसे निकल गया, अब पुराना बल्ब लगाते हैं इसमें। अब इस बल्ब में और इस बल्ब में डिफरेंस देखिए आप कितना है। इसके अंदर इधर फैन लगा हुआ है और वायरिंग इधर आ रही है इसकी, और इसके अंदर डायरेक्ट वायरिंग है। तो ये डायरेक्ट वायरिंग के जो उसका अडेप्टर है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और हेडलाइट में लग जाएगा ये। अभी कैसे लगेगा मैं बताऊँगा आपको। ये 3 मूव में लगेगा, 1, 2 और 3, इसके भी 3 मूव है, ये देखो 1, 2, 3, बस ये 3 के 3 ऐसे लग जाएगा इसके अंदर। ये लग गया बस 3, ये लग गया। अब इसको एक बार चालू करके देख लेते अपन यहीं पे, उसके बाद से इसको फिट करेंगे। ये चल गया। इसकी रोशनी बहुत तेज है उससे, बस सही है आराम से। अब लाइट बंद कर दो इसकी। अब इसको फिट करने का तरीका वही सिंपल सा है, बताऊं मैं आपको एक बार। अब इसको फिट करने से पहले मैं एक बार इसकी हेडलाइट खोल दूँ, क्योंकि हेडलाइट टूटी हुई है इसकी। ये हेडलाइट देखो चिपकानी पड़ेगी इसमें, तो ये चिपकाते हैं एक बार, इसको थोड़ा सही करते हैं। ये पार्किंग बल्ब के वायर है, इसको खोल देते हैं। हेडलाइट पूरी अलग हो जाएगी, पूरा कवर ही अलग हो जाएगा, जो कि कवर अलग। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं हेडलाइट, इसको बोलते हैं मास्क, ठीक है। और अब जैसे नई वाली जुपिटर खड़ी है मेरे पास में, ये जुपिटर 125 है, ये हेडलाइट हो गई,
ये मास्क हो गया और ये होता है वाइज़र, जो कांच लगा हुआ होता है उसको वाइज़र बोलते हैं। गाड़ी में क्या होता है, अगर आपको हेडलाइट खोलनी है ना तो आपको वाइज़र भी खोलना पड़ेगा, मास्क भी खोलना पड़ेगा। मास्क अलग होता है, फिर हेडलाइट निकलती है इसकी। इस चीज़ में, इस वाली गाड़ी में वो चीज़ नहीं है, इसमें खाली वाइज़र ही है, मास्क वो नहीं देगा, मास्क नहीं देगा। तो ये मैंने इसकी हेडलाइट इसके वाइज़र से अलग कर दी। इसके वाइज़र के साथ ये एक कांड भी हो रखा है, वाइज़र भी चिपकाएंगे इसका। और इसमें पता है क्या टूटता है हेडलाइट में, ये इस चीज़ सिर्फ जुपिटर के साथ ही होती है। इसके दो कान लगे हुए रहते हैं, एक इधर और एक इधर, प्लास्टिक के दो पार्ट रहते हैं, दोनों टूटे हुए हैं। एक तो पहले टूटा हुआ था तो मैं चिपका रखा था इसको एक प्लास्टिक ऐसे करके, ये भी निकल गया। एक इधर लगाना, ये दोनों चीज़ लगानी है, उसके बाद हेडलाइट टिकेगी। ये इसकी हेडलाइट है। तो गाइस ये अपन ने इसको चिपका दिया, एक साइड का तो अपन को इसके अंदर ही मिल गया था, इसके अंदर गुटके के अंदर लगा हुआ था एक साइड का, इसको चिपका दिया और इसको अच्छे से चिपका के इसमें मिट्टी डाल दी जो फिक्स हो गया एकदम। और एक साइड का देखो अपन ने जुगाड़ कर दिया, हंसना मत, ये देखो हंसना मत, जुगाड़ कर दिया अपन ने, क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर फिक्स बैठ रहा था, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ फिक्स थी, इसके अंदर फिक्स बैठना चाहिए। अगर छोटा होगा तो भी लेगा, बड़ा होगा तो जाएगा नहीं इसके अंदर। इस चक्कर में अपन ने इसको ये लगाया और मास्क को भी चिपका दिया अपन ने, इसके अंदर भी मिट्टी डाल दी। बाहर से नहीं चिपकाया अपन ने, बाहर से चिपकाते तो निशान दिखते मिट्टी के, अंदर से अपन ने चिपका दिया इसको। जब पता ही नहीं पड़ रहा होगा आपको चिपका हुआ है, क्योंकि गंदा हो रहा है ना अभी, इसलिए अब इसको थोड़ी सी देर सूखने देते, 5 से 7 मिनट खाली, फिर लगा देंगे इसको। अब ये गुटका इसको लगा के देखते हैं, बस चिपका के नहीं चिपका। लग गया सही से, अब लेट्स सी इसमें लगता है नहीं लगता। ये अंदर गई इधर से, ये वाली चीज़ फिक्स देख लेना, ये सीधी आनी चाहिए, इसमें छेद में आनी चाहिए, ये बैठ गई। अब बस इसको दबाना है खाली इधर से, बट टूटे नहीं यार, खाली चिपक जाए अच्छे से। मिशन सक्सेसफुल हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से फिट बैठी लाइट, देखो बहुत बढ़िया तरीके से फिट बैठी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। इसका मैंने नीचे से पेज भी लगा दिया, मास्क भी चिपक गया, अभी देखो लाइट बिल्कुल भी नहीं हिल रही, बिल्कुल सही बैठ गई। अब इसको आराम से लगा देंगे। मास्क को फिट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये इसका एंगल दिख रहा है ना, ये इसके अंदर बैठना चाहिए मास्क, इसके बीच में आपको बिठाना है दोनों तरफ से, इसके अंदर बैठना चाहिए। ये प्रॉपर तरीके से बैठेगा ना तभी इसकी आवाज़ बंद होगी, वरना आवाज़ करना चालू कर देगा। गलत फिटमेंट अगर आप करोगे तो आवाज़ करना चालू कर देगा ये। इस चक्कर में इसको आपको प्रॉपर तरीके से बैठाना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से बैठेगा, उसके बाद ही ये नट कसाई में आएंगे। अगर नट कसाई में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपको प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो शौकीन होते हैं ना, वो जो मीटर में येलो कलर की लाइट जलती है ना उसको चेंज करा के ब्लू करवा लेते हैं या कोई अलग अलग ही करा लेते हैं। वो कैसे होता है, ये आपका मीटर लग रहा है ना, ये आपका मीटर लग रहा है, ये इसके बल्ब लग रहे हैं, एक बल्ब ये रहा और एक बल्ब इधर है। अगर आपको चाहिए तो इसका बल्ब निकाल के आप चेंज कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। येलो की जगह लाइट चेंज हो कर सकते हो आप इसकी। मेरा वाइट वाला बल्ब फ्यूज़ है, मैं वाइट कर देता हूं इसको भी, तो ये आप कर सकते हो, मैं अभी कर नहीं रहा, आप कर सकते हो उसको बाद में चाहो तो। गाड़ी का काम करो, गाड़ी को ओपन करो तो काम पुख्ता करो उसमें, क्योंकि अगर आप अभी मैं इसको वाइट बल्ब चेंज करके फिट कर देता चलता नहीं, वापस पूरा खोलना पड़ता, इसलिए पूरे चेक करने के बाद में फिटिंग करना है इसकी, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। अब इसको अपन ने चेक कर लिया, अब इसको फिट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये वाला तार मैंने जोड़ दिया, ये इसके पार्किंग बल्ब का है। अब ये बल्ब अपना सीधा सीधा ऐसे लग जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर तीन लॉक दे रखे हैं बल्ब में, 1 2 3 ऐसे तीन दे रखे हैं, ट्रायंगल टाइप में बन रहा है ये, और ये भी ट्रायंगल टाइप में रहता है लॉक, ये फिट हो गया ऐसे। अब बस आपको ये लॉक लगाना है इसमें, जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम ये लग गया फिट, बस इतना सा काम रहता है इसमें। अब इसको पैक करता हूँ मैं, वो पैकिंग ढंग से चेक करके।
तो भाई ये था आज की वीडियो का फाइनल रिजल्ट, अपने बल्ब चेंज कर दिया हेडलाइट का। ये लोबी में या हैवी में दोनों काम कर रही है अच्छे से। और इंडिकेटर म्यूट एंड म्यूट कैसे करते हैं वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, इंडिकेटर की आवाज़ बंद कैसे कर सकते हैं और चालू कैसे कर सकते हैं वापस, इसके मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। बस आज की वीडियो में ये था, आज की वीडियो को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।